भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास होगी आपकी इंडियन पॉलिटी। आपका अपने चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस कंटेंट को देखने के बाद आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, साथ ही आपका जो कॉन्सेप्ट है इंडियन पॉलिटी से संबंधित वो बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहला अपना प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है? भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो राजनीतिक पद है। इस पद के अधिकार आपने पढ़े होंगे, लेकिन कर्तव्य भी होते हैं प्रधानमंत्री के। वो होता है अनुच्छेद 78 में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है। भारत की संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? संविधान सभा का निर्माण हुआ उसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946, ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री भारत भेजे गए थे, उसका नाम पड़ा कैबिनेट मिशन, जिसने भारत का संविधान निर्माण का कुछ प्रारूप रखा। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? भारत शब्द का प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ये 2 बार हुआ है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए हमने कनाडा को फॉलो किया, कनाडाई जो संघीय व्यवस्था है उसको अपनाया है। तो भारत में संविधान में भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट, संविधान का पहला भाग पहला अनुच्छेद ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल कर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई? मुसलमानों के लिए या मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक पृथक से निर्वाचन प्रणाली हो, ये व्यवस्था कब की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। और ये क्या कहलाता है? ये अधिनियम क्या कहलाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। दल बदल का मतलब 10वीं अनुसूची, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। दल बदल का मतलब है कि कोई भी विधायक या सांसद एक पार्टी के सिंबल से जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, किसी भी प्रलोभन वंश पद या पावर जो भी है, तो उसे कहते हैं दल बदल। और दल बदल को रोकने के लिए एक विधेयक लाया गया, उसका उल्लेख किया गया 10वीं अनुसूची में, उसे कहते हैं दल बदल विधेयक। उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई? नगर पालिकाओं यानी नगरों की खुद की स्थानीय सरकार हो, इसका उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये उल्लेख कर दिया गया कि नगरों की अपनी जो स्थानीय लोग हैं उनकी खुद की सरकार हो, नगर पालिकाओं की खुद की सरकार हो। इसे भी 3 स्तरों में बांटा गया, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जेबी कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख हुआ है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि अभी हमने देखा, पूरी प्रस्तावना उद्देश्य का हमने देखी, तो ये थी 26 नवंबर 1949 को। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। पावर वीटो, राष्ट्रपति का शक्ति होती है जे पॉकेट वीटो,
जेपी विटो भी उसको कहते हैं। पॉकेट का मतलब होता है जेबी, जेब जो होती है शर्ट या पैंट की, उसके लिए ये शब्द यूज हुआ है। ये राष्ट्रपति, किस राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किया था, तो जानी जेल सिंह ने इस शक्ति, इस पावर का इस्तेमाल किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, पहले हमने देखा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को भारत में जनहित याचिका का जनक किस न्यायाधीश को माना जाता है, पीएन भगवती को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 को। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना करनी हो तो कौन करेगा, संसद को ये पावर दी हुई है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एक तो थे अध्यक्ष और एक थे उपाध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष की बात हमने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष का बताना है एच.सी. मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी, बाद में देश का विभाजन हुआ तो ये सदस्य संख्या घट गई थी, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रखी थी, सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, कि संविधान में समय समय पे या संविधान में जैसे ही समाज में परिवर्तन हो, समाज से मांग उठे तो संविधान में संशोधन किया जा सके, तो इसके लिए हमने किस देश की व्यवस्था से ये ग्रहण किया, दक्षिणी अफ्रीका से। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, लेकिन क्या संसद की शक्ति असीमित है संविधान में संशोधन करने की, नहीं, क्योंकि संविधान के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो केशवानंद भारती में 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करने का जो काम है वो संसद करेगी, और यदि इसका अनुसरण संसद नहीं करती है तो फिर न्यायपालिका के पास पावर है न्यायिक पुनरावलोकन की। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची, वर्तमान में कितनी है, 12, तो 4 अनुसूचियां समय समय पे बाद में जोड़ी गई। मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पे जोड़े गए थे, तो एक समिति बनी थी 1976 में, 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया इसके लिए, सरदार पूरण सिंह की अनुशंसा पे मूल कर्तव्य जोड़े गए, उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता का, किसमें जोड़े गए, प्रस्तावना में। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो संविधान में जो समवर्ती सूची है उसका प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। मूल कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए गए हैं, सोवियत संघ से, और वर्तमान में सोवियत संघ है वो 1991 के बाद क्या बन गया, रूस। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 73वीं संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, पंचायती राज से। मूल कर्तव्यों को किस भाग और अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो मूल कर्तव्य के लिए अनुच्छेद है 51A और भाग कौन सा है, 4A। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो 52वां संविधान संशोधन किया 1985 में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 12। किस अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है, 11वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये किस अनुसूची में है, इसका 8वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, BDMS, K
केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था आप पढ़ते होंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था जैसे कि ब्रिटेन में है, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। ये संविधान की कौन सी अनुसूची में है? सातवीं अनुसूची में। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण है वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। सातवीं अनुसूची में किस प्रकार की सूचियों का उल्लेख है? तीन सूचियों का, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप एक अवशिष्ट विषय भी सुनते होंगे लेकिन उनमें आपके तीन सूचियां ही, तीन जब संख्या पूछी जाए तो तीन सूचियां ही होती। अवशिष्ट विषयों का मतलब है कि उस समय वो विषय नहीं थे जब संविधान बनाया जा रहा था, लेकिन समय के साथ अगर कोई नया विषय आता है तो वो अवशिष्ट विषय में शामिल होगा और उस पर कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो संसद को होगी, यानी केंद्र सरकार को होगी। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल का पद है वो सर्जित किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार समय समय पर अधिनियम यानी कानून बनाती थी, उसका नाम होता था अधिनियम। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का अधिनियम, 1919 का, 1909 का, 1935 का, इस प्रकार से। तो भारत का शासन चलाने के लिए अधिनियम पारित किए जाते थे। 1833 का चार्टर एक्ट एक में व्यवस्था की गई गवर्नर जनरल के पद की। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है? पांचवीं अनुसूची में। भारत के प्रथम वाइसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। दल बदलक विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में हुआ है? दसवीं में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें खतरनाक जगह पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। वाइसराय का पद कब सर्जित किया गया? ऊपर हमने गवर्नर जनरल का देखा था, ये वाइसराय का पद है। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की जब क्रांति हुई तब तक 1600 ईस्वी से लेकर और 1857 तक भारत में शासन करने वाली जो कंपनी थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत आई थी, लेकिन 1857 तक लगभग भारत के जितने भी क्षेत्र थे उस पर उन ब्रिटिश कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। लेकिन 1857 में लोग ब्रिटिश कंपनी का विरोध करने लगते हैं तो ब्रिटिश संसद जो भारत का शासन होता है वो अपने हाथ में ले लेती है और एक पद सर्जित करती है, वो होता है वाइसराय का। तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई। हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा हमने ली है अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा होता क्या है? न्यायपालिका की वो पावर, वो शक्ति जिसके द्वारा वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की जांच कर सके और यदि वो सही संविधान की भावना के अनुसार नहीं है तो उन्हें अवैध ठहरा सके, ये पावर न्यायिक समीक्षा कहलाती है न्यायपालिका की। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे? वारिन हस्टिंग्स। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो यह अनुच्छेद है 108। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हीरालाल जे कानिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत का मतलब क्या है कि जहाँ से हमने सबसे ज़्यादा बातें ली संविधान में, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। 395 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 थी, तो सबसे बड़ा संविधान है हमारा। तो ये सबसे ज़्यादा बातें हमने कहाँ से ली, बड़ा स्रोत कौन सा है? तो 1935 का अधिनियम जिसके अनुसार भारत का शासन स्वतंत्रता से पहले चल रहा था, तो
तो लगभग 200 प्लस अनुच्छेद हमने 395 में से 200 प्लस अनुच्छेद हमने 1935 की अधिनियम से शब्द से ले लिए, इसलिए सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस समिति की सिफारिश पर दी गई, तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायतों को अगर वास्तव में पावर देना है, क्योंकि पहले पंचायतों का जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष होता था और निश्चित समय पे भी नहीं होता था, मन मर्जी से चुनाव होते थे, तो स्थानीय सरकारों का जो कॉन्सेप्ट था वो सही से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति की सिफारिश पर इसे संवैधानिक का दर्जा दिया गया और 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे, बी एन राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इस दिवस को हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि का मतलब होता है कानून, संविधान का मतलब होता है, संविधि का मतलब होता है सर्वोच्च कानून, तो भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है, तो संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में मंत्री परिषद शब्द का अर्थ है, मंत्रिमंडल का नहीं है, ये अनुच्छेद 352 में उल्लेख हुआ है मंत्रिमंडल का। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया, 26 जनवरी 1930 को। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है, अनुच्छेद 28 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, लाहौर अधिवेशन 1929 में। मतदाता की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य बने थे, मुंबई से। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी, पेंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त तो बैठक को बुला सकता है, कौन बुला सकता है, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1951 और 52। नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, 1951 द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 23 और 24। मौलिक अधिकार किस संविधान के संशोधन से हमने लिए, तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, 69 द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया 1958 के अधिनियम द्वारा। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, लोकसभा का अध्यक्ष अपने लोकसभा अध्यक्ष की पद की शपथ नहीं लेता, वो एक सांसद की ही शपथ लेता है। 73वें और 74वें संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, भारत के जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 52। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है, कि राष्ट्रपति को साधारण विधेयक से नहीं हटाया जा सकता, साधारण विधि से नहीं हटाया जा सकता, महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 कहता है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया, भाग 3 को, संविधान का मैग्ना कार्टा।
धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखा जाता है और राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा में रखा जाता है, लोकप्रिय सदन उसी में रखा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्यों के बीच समवर्ति सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली हमने? तो शक्तियों को बांटने की 3 सूचियाँ हैं, समवर्ती, संघ सूची और राज्य सूची। उसमें से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली हमने ऑस्ट्रेलिया से। प्राकलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राकलन में होते हैं 30 सदस्य। कहाँ से? लोकसभा से। धन विधेयक का उल्लेख किस में हुआ है? अनुच्छेद 110 में। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेनी आवश्यक होती है? राष्ट्रपति के। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं रखा जा सकता और केवल लोकप्रिय सदन में ही रखा जाता है, वो केंद्र हो तो लोकसभा और राज्य हो तो विधानसभा। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश आज़ाद हुआ उस समय 565 रियासतें थी। रियासतों का मतलब जहां राजाओं का शासन था। इन रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने राज व्यवस्था से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से संबंधित कई कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए कई प्रश्न आपके क्लियर करवाए हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए ज्ञानवर्धक और सहयोग या हेल्पफुल साबित हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हल करके डाले हुए हैं। आज के बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो याद नहीं होता।